हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ बचपन वाली जो स्कूल लाइफ की ना एक टेस्टी सा अचार था ना, जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी, आज वही अचार वही स्कूल वाली फीलिंग के साथ मैं बनाऊँगी। तो आप लोगों के साथ मैं वो वाला अचार आज शेयर करूँगी। तो इसको ना हमारी भाषा में ना चलता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एलिफेंट एप्पल बोला जाता है। तो ये वाला अचार ना मैं स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा खाया करती थी, रेड वाली अचार। मतलब ये बहुत ही मतलब फीलिंग सा अचार है, तो इसको मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये वाला ना मैंने पहले बीच में से कट करने के बाद छोटे छोटे पीस करके इसको अच्छे से धोने के बाद गर्म पानी पर ना थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर इसको पूरा कुछ टाइम के लिए ना पूरा उबाल लेंगे। जब तक ना ये थोड़ा सा पक जाए तब तक मैं इसको उबाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस पर ना अच्छे से उबाल आ गया है और देखने में भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा पक गया है, तो इसको मैं अभी निकाल लूँगी। तो पहले मैं आप लोगों के साथ साइड में एक उसकी ना मसाला जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और अभी दिखा रही हूँ कि ये ना छालनी पर ना पूरा अचार को मतलब अचार नहीं ये चलता को मैं पूरा पानी से उठा दूँगी और ये वाला ना खट्टा वाला पानी अभी कोई काम की नहीं है, तो इसको मैं फेंक दूँगी और ये थोड़ा बाहर रख दूँगी ताकि ना ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और साथ में आप लोगों के साथ मैं अभी दिखा देती हूँ, मैंने कढ़ाई पर ना ये मसाला और चार मिर्च डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि ये बाद में ना ये ग्राइंड कर दूँगी इसको, तो ये अच्छे से एक मसाला हो जाएगा। और अभी मैं आप लोगों के साथ मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई पर डाल दिया और दो मिर्च डाल दिया, उसके साथ पाँच फूरन डालने के बाद ना अचार को ना चलता को मैं पूरा इसको ना थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा कुछ टाइम ना इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और उसके बाद इस पर ना थोड़ा सा नमक डालूँगी, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी और उसके बाद मिर्च पाउडर डालूँगी। और ना मैं भूल गई थी ना वीडियो शूट, मुझे लग रहा था ये वीडियो हो रहा है लेकिन ना गलती से मैंने ना वीडियो ऑन नहीं किया था, तो मसाला डालने वाला वीडियो मैंने स्किप कर दिया। तो बाद में आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँगी, आपको सामने वीडियो में दिख जाएगा। तो अभी इसको ना मिर्च हल्दी और नमक से मैं पूरा थोड़ा सा भून लिया, उसके बाद मसाला से मैं फिर से भून रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं मैंने मसाला पहले डाल दिया था तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो फिर से मैं थोड़ा डालकर दिखा रही हूँ। तो अब देख सकते हैं मेरी अचार ना पूरी से मतलब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी मैं ना इस पर ना थोड़ा सा ना फूड कलर डाल दूँगी ताकि वही अचार जो रेड वाली अचार का ना लुक्स आ जाए। तो अब देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है और फूड कलर डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद फिर से ना मैं थोड़ा सा ना इस पर विनेगर डाल दिया, आप देख सकते हैं। विनेगर डालने के बाद मैं इसको ना गैस को बंद कर दूंगी और बंद करने के बाद ना इसको अच्छे से थोड़ा सा फिर से उसको चम्मच हिलाने के बाद अभी मैं इसको बाहर ले जा रही हूँ। अभी सुबह का ना 11 बज रहा है तो अभी मैंने अचार को ना धूप पर डाल दिया है, तो अभी पूरा दिन ये धूप पर सूखेगा और बीच बीच में मैं आकर ना इसको थोड़ा सा पलटाऊँगी और उसके बाद फिर से इसको रख के चली जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं फिर से मैं एक बार आकर ना इसको ना ये बॉटल पर मैं अभी अचार को रखूँगी, तो इसको भी अच्छे से धोकर मैं धूप पर ना फिर से रख दिया है और ना देख सकते हैं मैं इसको फिर से ना थोड़ा हिलाकर ना इसको फिर से रख दूँगी और ना शाम को मैं आकर आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी ना शाम के वक्त हो गया है, आप देख सकते हैं एक दिन की धूप के धूप से ना अचार का कलर और उसकी पूरा देख सकते हैं लुक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैं अभी ना इस पर यहाँ पर बैठकर ही ना मैं अचार को ना इस बोतल पर रख दूँगी। तो पहले मैं थोड़ा सा नमक पहले डालूँगी ताकि ना अचार ख़राब ना हो जाए जल्दी, और उसके बाद मैं पूरा अचार को इस पर फिल कर दूँगी और उसके बाद ना फिर से ना थोड़ा सा नमक ऊपर डालने के बाद ना फिर से विनेगर में थोड़ा सा डाल दूंगी। तो आप पूरा देखिए वीडियो, आप पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। A heart's beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.
just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. तो गाइज अभी ना आपको दिखा दूँ ये लुक, आप देख सकते हैं और कितना ज़्यादा भरा हुआ है। लेकिन ना मैं आपको ना पूरा 1 वीक के बाद आपको पूरा रिज़ल्ट दिखाऊंगी, कितना ज़्यादा धूप के कारण कितना कम हो जाएगा आपको दिखा देती हूँ। और ये वाला आचार मैं लास्ट मतलब कभी और मैं शेयर करूँगी। ये ना नींबू और बॉम्बे मिर्च का अचार है, मैं आप लोगों के साथ कभी और शेयर करूँगी। तो ये मैंने इसके साथ ही बनाया था, लेकिन मैंने इसका रेसिपी शेयर नहीं किया। और ये दूसरा और एक अचार है। तो आफ्टर 1 वीक के बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से एक दिखा रही हूँ। तो अचार जो था वो मैं कम से कम मैंने हर रोज़ खाने के बाद ही ख़त्म हो गया है। और फिर से मैंने थोड़ा और चलता अचार डाला, क्योंकि ना ये धूप मैं सुखाते सुखाते ना कितना कम हो गया आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं और एक थोड़ा बना रही हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।